हेलो गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है, कैसे चल रहा है आप सभी की गेमिंग। ऑब्वियसली सर्वाइवल स्क्वाड के जो भी प्लेयर्स हैं थोड़ी बहुत परेशानी में थे होंगे कल तक, लेकिन अब गेम की सर्वर ओपन हो चुकी है। मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में सर्वाइवल स्क्वाड के ऊपर और स्कारफॉल के ऊपर में थोड़ी बहुत जो है चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ आप सभी लोग के साथ में। तो वीडियो को आप लोग पूरा देख करके चले। सर्वाइवल स्क्वाड के लिए भी बैकग्राउंड पे मैंने एक अच्छी सी अच्छी गेम प्ले लगा करके रखा है, उस चीज़ को आप लोग एंजॉय करोगे तो वीडियो में आप लोगों को बोर नहीं होगा। और स्कारफॉल में भी काफ़ी बहुत कुछ है, ज़रूर से आप लोग उस चीज़ को सुन करके जाना। ये डेवलपर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये मैसेज। अब लोग दो तीन शब्दों में वीडियो को एंड करने के बाद जो है कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मेरा जो पॉइंट्स है वो सही है कि नहीं। ये जो पॉइंट्स है सर्वाइवल स्क्वाड के ऊपर और स्कारफॉल के ऊपर, वो पॉइंट्स जो है मैं आप सभी के सामने जल्द से जल्द पेश करना चाहूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और आप लोग से निवेदन है कि पूरी एंड तक आप लोग सभी पॉइंट्स को सुन करके जाएं। अब एक क्रिएटर है, एक यूट्यूबर है, तो भी इस वीडियो को जरूर से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बिटवीन द सर्वाइवल स्क्वाड और स्कारफॉल कम्युनिटीज़ के बीच में ई स्पोर्ट वगैरह को ले करके। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्वाइवल स्क्वाड के ऊपर में। सो गाइस, अभी फ़िलहाल जो है ये गेम 1 मिलियन प्लस की डाउनलोड्स कंप्लीट हो चुकी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है अगर हम लोग प्लेयर्स के मामले में बात करें तो। तो भाई आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जब से फ्री फायर इंडिया में बैन हुए ना, ये फ्री फायर के डेवलपर्स लोग वैलेंटाइंस डे मना रहे थे अपने ये गेम के अंदर में। तो ये सर्वाइवल स्क्वाड के डेवलपर्स भी कुछ वैसा ही सीन चल रहा है, अपने गूगल प्ले स्टोर के अंदर में 1 मिलियन प्लस की डाउनलोड्स हो चुकी हैं, गेम पे कोई भी ध्यान नहीं है डेवलपर्स लोग, ये सर्वाइवल स्क्वाड के डेवलपर्स लोग, आई डोंट नो ये लोग क्या कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा नंबर्स है, अगर प्लेयर्स ज़्यादा बढ़ते हैं गेम के ऊपर में तो उन लोगों को गेम के ऊपर एक्टिव होना चाहिए, अपडेट्स अनाउंसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा निकाल करके लाना चाहिए। लेकिन भाई क्या कर रहा है भाई ये लोग, सस्ते नशे हैं क्या, COVID-19 से मर गए हैं क्या सब भाई, कहाँ है ये लोग, कुछ अता पता नहीं है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है मुझे। 1 मिलियन गाइस बहुत ही ज़्यादा है प्लेयर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो। तो भाई ये लोग कोई अभी अपडेट नहीं ला रहे, तो इस गेम को जो है गाइस अब जाने से बेहतर है कि नीचे ही जाए, मैं वैसे ही चाहता हूँ, क्योंकि ये ऊपर से एक चाइनीज़ गेम भी है। तो पर्सनली मैं हेट टोन नहीं करना चाहता, बस डेवलपर्स के ऊपर में थोड़ी बहुत गुस्सा है मुझे, क्योंकि कोई भी अपडेट नहीं ला रहा है, बहुत समय हो चुका है। तो भाई मैं पर्सनली सर्वाइवल स्क्वाड गेम के ऊपर में कुछ भी नहीं कहना चाहता, बस डेवलपर्स से निवेदन है कि भाई आप लोग कहाँ हो भाई, आपकी गेम ऑलरेडी 1 मिलियन प्लस क्रॉस कर चुके हैं डाउनलोड्स, तो आप लोगों को अभी अपनी गेम पर ध्यान देना चाहिए, अपडेट्स अनाउंसमेंट कुछ तो लाना चाहिए अपनी फेसबुक पेज पे या अपने यूट्यूब चैनल्स पे, जो भी आपकी ऑफिशियल लिंक है आप उस पर तेरा ध्यान दीजिए भाई साहब, बस इसके ऊपर में मैं अब कुछ नहीं कहना चाहूँगा और ज़्यादा शब्द नहीं कहना चाहूँगा। रुको जरा, सबर करो। सो गाइस, आखिर में हम लोग बात कर लेते हैं स्कारफॉल द रॉयल कॉम्बैट के ऊपर में। सो गाइस, ये गेम 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुआ था, जो कि अभी फिलहाल 5 मिलियन प्लस की डाउनलोड्स कंप्लीट हो चुका है, पूरी तरह से इंडियन डेवलपर्स है और पूरी तरह से इंडियन गेम है। सबसे पहली बात तो ये गेम यूनिटी से बनी है, और आप लोग देख रहे हो ओवरऑल अनरियल इंजन की तरह नहीं है, लेकिन यूनिटी से भी ये एकदम चीप सॉफ्टवेयर से बनी है। खैर गाइस, मैं गेम अपग्रेड को लेकर के कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, वो तो डेवलपर्स के ऊपर में है, बस डेवलपर्स लोगों से मुझे एक चीज़ कहना है, उन लोगों को तो हिंदी भी आता है ऑब्वियसली, इंडियन डेवलपर्स को तो हिंदी भी आता होगा, तो बस आप लोगों से मुझे एक ही यहाँ पे दरख्वास्त है कि, और सभी प्लेयर्स की तरफ भी दरख्वास्त है मेरे जितना मुझे लगता है, इस गेम के ऊपर में गाइस 5 मिलियन प्लस के डाउनलोड्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और अगर ये गेम वो लोग पॉपुलर कराते हैं, पॉपुलर किस तरह से कराना है, ई स्पोर्ट्स यहाँ पे निकालना है, कम्युनिटीज ज़्यादा बढ़ाने के लिए, यहाँ पे टूर्नामेंट्स वगैरह डेवलपर्स के द्वारा ज़्यादा अमाउंट पे नहीं होने से भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी अमाउंट पे टूर्नामेंट्स वगैरह अगर बनाते तो भाई ये गेम बहुत आगे निकल करके जाएगा, मुझे ये उम्मीद है और पूरी विश्वास है इस गेम के ऊपर में। क्योंकि गाइस अभी क्या है कि इंडिया में बहुत सारे बैन गेम्स जो है बैन हो चुके हैं, लाइक बैटलग्राउंड्स मोबाइल है BGMI, वो बहुत सारे फ़ोन्स पे नहीं चलता है, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स चाहिए होते हैं BGMI को खेलने के लिए, लेकिन स्कारफॉल गेम जो है मिड रेंज फ़ोन में एकदम स्मूथली तरीके से चल जाता है। तो डेवलपर्स लोगों को ये चीज़ एकदम नज़र डालना चाहिए, इस चीज़ को वो लोग पकड़ लेना चाहिए, जो भी बूस्ट अभी फ़िलहाल वो लोग को मिल रहा है उस चांस को वो लोग खोना नहीं चाहिए। लेकिन गाइस अभी फिलहाल जो है ये गेम टूर्नामेंट वगैरह कराने के लिए उतना ऑप्टिमाइज नहीं है, अभी भी जो इस गेम के अंदर में बहुत सारे बग ग्लिचेस हैं, और गेम भी मिड रेंज स्मार्टफोन में
अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज नहीं है। बहुत सारी डिवाइसेस के अंदर में ये गेम अच्छे से चलते नहीं है, जबकि 4GB और 6GB रैम्स के ऊपर में और स्नैपड्रैगन के 712 उनके ऊपर में भी कॉन्स्टेंट 60 FPS नहीं चलता है, जो कि मैंने खुद प्ले करके देखा है। सो गाइस, अब इनके आगे तो आप ही कमेंट बॉक्स में 2-3 शब्द में लिख देना कि आप लोगों की क्या राय है। गाइस, वो दिन दूर नहीं है जब सर्वाइवल स्क्वाड भी बैन होगा, क्योंकि सर्वाइवल स्क्वाड भी गाइस एक हांगकांग की गेम है और हांगकांग चाइनीज के अंदर में आता है, तो सर्वाइवल स्क्वाड भी गाइस ज्यादा दूर नहीं है उसकी बैन को लेकर के। सो अब जो है गाइस, ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है स्कारफोर डेवलपर्स के लिए कि वो अपना गेम को अपग्रेड करें और ज्यादा से ज्यादा हाई बनाए, क्योंकि गाइस अगर जो भी गेम बैन होता है, लाइक फ्री फायर बैन हो गया या BGMI बैन हो गया, उन गेम्स को बैन होने से कोई फर्क नहीं है। अगर ऑडियंस को पसंद नहीं आता तो गाइस वो स्कारफुल गेम को क्यों खेले, क्यों इंस्टॉल करे वो, अगर ऑडियंस को पसंद नहीं आता तो वो लोग इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो इट्स टाइम है वो लोग गेम को अपग्रेड करे, अच्छी तरह से गेम को बनाए, और उन लोगों को कोई भी बताने की जरूरत नहीं है। वो लोग थोड़ी ना बच्चे हैं कि आप ये करो, उस चीज़ को ऐसे करो, उन लोग को ऐसे बताने की जरूरत नहीं है। बाकी गाइस, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में 2-3 शब्द में लिख देना कि आप लोग की क्या राय है, और कमेंट आप लोग नहीं कर दोगे इस कमेंट्स जो है आप लोग जरूर से कर दिया करें, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग को 5, 6, 20, 10, 20, 50 जितना भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जरूर से जरूर जो है आप लोग अपना कमेंट छोड़ करके जाए वीडियोस में। सो गाइस, आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ चुका होगा कि मैं वीडियोस में क्या कहना चाह रहा हूँ, शायद आप सभी लोग को समझ में आ चुका होगा। तो आज की वीडियो पर गाइस इतना ही, जरूर से आप लोग कमेंट करके जाना, कमेंट छोड़ के अपना कमेंट, अपना राय छोड़ के जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक लिस्ट सिर्फ जय हिंद एंड वंदे मातरम।